हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि रामायण में रावण के पैर के नीचे एक नीले रंग का आदमी देखा होगा, मगर ये कौन है? क्या आप जानते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर है ये कौन सा आदमी? तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि रावण के पैर के नीचे कौन था ये आदमी। रामायण से जुड़ी कई कहानियां भारत में प्रचलित हैं। रामायण एक ऐसी कहानी जिसे हर कोई देखना पसंद करता है और हिंदू परिवारों में इसका पाठ भी किया जाता है। आपने जब भी रामायण देखी होगी तो आपने शायद नोटिस किया या नहीं, लेकिन रावण के सिंहासन पर उसके पांव के पास एक व्यक्ति लेटा रहता था। इस शख्स के नीले रंग की स्किन होती थी और वो उल्टा लेटा रहता था। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये है शख्स कौन जो रावण के पांव के नीचे उल्टा लेटा था? ऐसे में जानते हैं कि रावण के सिंहासन के पास जिस शख्स को दिखाया जाता है वो कौन है और इसके पीछे क्या कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह तथ्य तो बहुत कॉमन है कि रावण एक बहुत ज्योतिष था, यानी बड़ा ज्योतिषी था, और उसने 9 ग्रहों को बंदी बनाकर अपने अधिकार में ले लिया था। वैसे आपको बता दें कि ज्योतिष विद्या में 9 ग्रहों का अहम योगदान होता है और उनके स्थान के आधार पर ही गणित लगाई जाती। कहा जाता है कि रावण सभी ग्रहों को अपने पैरों के पास बंदी बनाकर रखता था। ऐसे में रावण अपने पुत्रों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अपने कंट्रोल में रखता था। इन 9 ग्रहों में जो है वो नीले रंग के शख्स थे, शनिदेव। हाँ दोस्तों, जो रावण के पैर के नीचे हमेशा उल्टा लेटा दिखता था वो थे शनिदेव। इसके पीछे भी कहानी है कि क्यों शनिदेव रावण के पैर के नीचे था। तो ज्योतिष के अनुसार शनि की दृष्टि से व्यक्ति के जीवन पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में शनि अपनी दृष्टि से रावण की सुख स्थिति को खराब करने में सक्षम थे और वो इसकी कोशिश करते रहते थे। कहा जाता है कि एक बार रावण के पुत्र की कुंडली बनाते वक्त रावण ने सभी ग्रहों का स्थान अपने हिसाब से कर दिया था, लेकिन शनि बार बार अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे रावण के पुत्र अजय नहीं रह पाए। तब रावण ने शनिदेव को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने पांव के नीचे दबा कर रखा था। अब तो आप जान गए ना कि रावण के पैर के नीचे कौन था वो व्यक्ति। अब जान जाइए कि वो शनिदेव कैसे मुक्त हुए। तो शनिदेव के मुक्त होने की कहानी है। हनुमान जी जब लंका में गए थे तब उन्होंने लंका दहन के वक्त शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त करवाया था। इससे पहले शनि को नारद मुनि ने भी मुक्त करवाया था। नारद मुनि ने रावण को अपनी बातों में फंसाकर शनिदेव को जेल में शिफ्ट करवा दिया था, लेकिन रावण ने शनि को कारागृह में डाल दिया और जेल के द्वार पर इस प्रकार शिवलिंग लगा दी कि उस पर पांव रखे बिना शनिदेव भाग ही न सके। इसके बाद हनुमान जी ने लंका आकर शनिदेव को अपने सर पर बिठाकर मुक्त कराया था। वैसे यह पहले से वरदान मिल चुका था कि शनिदेव को हनुमान जी मुक्त करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि जो रावण के पैर के नीचे शख्स लेटा रहता था उसके पीछे क्या कहानी थी, क्या वजह थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।